वार्ड क्रमांक 19 गौतम नगर में शीतला माता मंदिर से लगा हुआ बिना ढक्कन का कुआं जर्जर अवस्था में है और अंदर ही अंदर धस रहा है। कुएं को 50 वर्ष से ज़्यादा समय बीत चुका है। जर्जर अंदर धसने वाले कुएं का समय रहते स्थायी निराकरण नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय निवासी जगदीश गोयल एवं जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि कुएं का मलबा हर दिन अंदर ही अंदर धसता जा रहा है, जिस कारण कभी भी बड़ी जनहानि होने की संभावना बनी हुई है। जहां कुआं बना हुआ है वहीं समीप में शीतला माता का मंदिर है। यहां पर प्रतिदिन आसपास के स्थानीय लोग पूजा दर्शन करने को आते हैं। वहीं आए दिन धार्मिक आयोजन भी यहां होते रहते हैं, जिससे आसपास की जगह पर दबाव ज़्यादा बना रहता है। कुएं के आसपास की जगह अंदर से पोली हो चुकी है। कुएं के पास में काफ़ी पुरानी सीमेंट के पानी की टंकी भी बनी हुई है, वह भी काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में उपस्थित है। टंकी में सभी दूर से पानी रिसता है। कुएं एवं क्षतिग्रस्त टंकी की दशा को देखते हुए स्थानीय रहवासी जिला कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपकर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उचित कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। रहवासियों ने संबंधित जवाबदारों से मांग की है कि समय रहते कुएं को ढका जाए या फिर मरम्मतीकरण किया जावे जिससे कोई जनहानि ना हो। कौन सा वार्ड है और क्या समस्या है आपकी? वार्ड नंबर 19 है, यह गौतम नगर शीतला माता मंदिर में आता है। कुआं बहुत पुराना है, अभी पिछले दिन भी नाइट के समय में इसे के गिरने की आशंका जताई गई थी, लेकिन अभी हमें पता चला अभी दिन में कुछ अंदर से मलबा गिरा एक ट्राली डेढ़ ट्राली के समथिंग, तो पता चला पिछली बार भी नगर निगम की टीम आई थी, पूरे कुएं की छानबीन की थी किसी प्रकार की कोई मानव दुर्घटना ना हो उसको देखते हुए, लेकिन अभी यह कुआं इतनी बुरी हालत में हो गया है, जर्जर हालत में हो गया है और यहाँ आए दिन कुछ कार्यक्रम होते रहते मंदिर प्रांगण में, तो नगर निगम इंजीनियर महोदय या फिर नगर निगम आयुक्त महोदय से निवेदन है कि इस कुएं का निराकरण किया जाए या तो इसे मरम्मत की जाए या फिर इसे इसकी शिकायत की कि आपने कहीं पर आवेदन इसका आवेदन नगर निगम ने दे दिया है, नगर निगम आयुक्त के नाम से 9 तारीख को हमने आवेदन भी दिया था और पिछली बार भी पूरी टीम आई थी, इंजीनियर लोग भी आए थे, सब लोग ने देख भी लिया है, तो इसका उचित निराकरण किया जाए। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे अभी तक कोई शिकायत करने तो इस टाइप से कुछ आश्वासन नहीं मिला, पर महोदय से निवेदन है कि इसके ऊपर विचार करके उचित निर्णय ले। ये कुएं के बाद पानी टंकी भी जर्जर अवस्था में? हाँ, ये भी काफ़ी पुरानी टंकी है, इसका भी पूरा इंजीनियर के माध्यम से पूरा अवलोकन करवा के पूरा देखा जाए और क्या उचित निर्णय है नगर निगम का पूरा लेकर उचित निर्णय किया जाए, कल से कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि कुछ दिन बाद में यहाँ पर सचंडी महायज्ञ का भी आयोजन होने वाला है, तो किसी प्रकार से किसी की आज कुछ आवाज़ आई थी आपको यहाँ पर? बिल्कुल, इकट्ठे अभी 1 घंटे पहले कुछ आवाज़ आई थी अंदर से कुछ मलबा गिरने की, तो वो तो दिन का टाइम था तो हमने उसे देख लिया, तो हमें पता चला कि अंदर से पूरा जर्जर हो रहा है, तो अंदर से पूरा मलबा गिरा हुआ, कम से कम 2 ट्राली के समथिंग मलबा गिरा अंदर से। आपका नाम? जगदीश गोयल,